अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? दुआ करता हूँ सब खुश रहे, अच्छे से रहे। आज की वीडियो थोड़ा मुख्तलिफ है, बिल्कुल न्यू मेथड है एंड्रॉयड 12। सैमसंग भी में जितने भी फ़ोन है जो पायल शॉर्टकट गैलेक्सी स्टोर में पायल शॉर्टकट नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आप ट्राई करते हैं और गैलेक्सी स्टोर में पायल शॉर्टकट नहीं आ रहे, तो ये उस लोगों के लिए किस तरह से बाईपास करना है विदाउट पीसी, पीसी के बग़ैर करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस पे FRP है या नहीं, वाईफाई के साथ कनेक्ट किया है। अभी आगे नेक्स्ट करके जाएंगे तो आपको यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड नहीं है, तो यूज़ गूगल अकाउंट। पहले आपको चेक करना है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इस पे FRP लगी है, ठीक है। तो क्या करना है, सेम मेथड है, वॉल्यूम अप और पावर की, इसको एक दफ़ा क्लिक करना है। वॉल्यूम अप और पावर की एक दफ़ा, अभी एक दफ़ा और क्लिक करना है ताकि बैक पूरी तरह से ऑन हो जाएगा। क्लिक किया, आप देख सकते हैं टैक बैक ऑन हो गया। अब क्या करना है, उल्टा एल, ऐसे मैंने स्क्रीन पे आपको दिखाया भी है, इसी तरह से आपने स्क्रीन पे करना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, गूगल असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट माइक में बोल देना है यूट्यूब, और यहाँ पे यूट्यूब बोल देना है, तो ओपन हो जाएगा आपका मोबाइल का यूट्यूब। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें पायल शॉर्टकट वर्क नहीं करता है और विदाउट PC करेंगे, FRP को बाईपास कर देंगे। सैमसंग A32 A03, इसमें ये मसला आजकल बहुत आ रहा है। आपने इसी साइड पे जाना है, सबसे पहले वाले को ओपन करना है। तो यहाँ पे आपने सेटिंग ओपन करनी है, यहाँ पे सैमसंग अकाउंट पहले से ऐड करना है। आप अपना सैमसंग अकाउंट यहाँ पे ऐड कर दे, यहाँ पे पासवर्ड डालना है और साइन इन पे क्लिक कर देना है। ये पायल शॉर्टकट आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपको ये चेक करना है, आपको दिखाना है, आप देख सकते हैं ये वर्क नहीं करता है, ठीक है। फिर से एक दफ़ा देख लीजिए, आपके सामने यहाँ पे आपने इसी लॉन्चर को डाउनलोड करना है। एक सबसे ऊपर वाले इस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करना है। और दूसरे वाले को भी डाउनलोड कर देना है।
ये डाउनलोड हो जाएगा तब तक हम गैलेक्सी स्टोर को अपडेट करते हैं। मैंने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड पे लगाया क्योंकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो अब दोबारा से गैलेक्सी स्टोर को ओपन करना है, अपडेट हो चुका है। यहाँ पे आपने सर्च में ES फाइल एक्सप्लोर, इसी को टाइप कर देना है। आप देख सकते हैं ये आ चुका है, तो इसी को आपने डाउनलोड कर देना है। यहाँ पे आपने इस डिटेल पे क्लिक करना है और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, तो ये हो जाएगा इंस्टॉल। नहीं तो आप ओके पे क्लिक करेंगे तो नहीं होगा। फिर यहाँ से इसको ओपन करना है, एग्री, अलाउ, स्टार्ट पे क्लिक कर देना है तो स्टार्ट हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये दोनों मैंने डाउनलोड किए, इस पे प्रेस करना है और इंस्टॉल करने की कोशिश करना है। यहाँ से आप देख सकते हैं मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्या हो रहा है कि नहीं हुआ। दूसरी दफ़ा आप देख सकते हैं अब भी नहीं हुआ। क्या करना है अब, ये तीसरी दफ़ा है एक, या से आप ये चौथी दफ़ा है दो, दो हो चुके हैं, मैंने स्क्रीन पे आपको टाइप भी किया। अब ये पांचवी दफ़ा है तो हो गया तीन, ये पूरा है। अब ये थ्री डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इस पर क्लिक कर देना है, ओपन अस, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और सबसे नीचे अदर पे क्लिक करना, यहाँ पे आपने फाइल को ढूंढ लेना है। ये फाइल इस पर टिक लगा के इस पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ से आप चेक करोगे, यहाँ से भी इंस्टॉल नहीं होगा। तो साइड पे जो थ्री लाइंस है इस पर क्लिक करना है, और नीचे मोबाइल वाले इस पर क्लिक कर देना है, आपका जो मोबाइल है उसी पे क्लिक कर देना। यहाँ से आपका इंस्टॉल अब हो जाएगा। कंटिन्यू, आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो रहा है, ये हो चुका है इंस्टॉल। दूसरे को भी इंस्टॉल कर देना है। ये भी हो चुका है इंस्टॉल। अब यहाँ से बैक आना है, अब इस लॉन्चर को ओपन कर देना है, इससे आपका मोबाइल ओपन हो जाएगा, मेन स्क्रीन पे आ जाएगा। अलाउ अलाउ कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं जो हमारे फाइल थे वो इंस्टॉल हो चुके हैं। इसको यहाँ से हमने FRP बाईपास किस तरह से करनी है, आप सेटिंग को ओपन कर देना है, प्राइवेसी पर आना है, सबसे ऊपर वाले को क्लिक कर देना, फाइल एंड मीडिया। या से जो प्रोसेस है वो बिल्कुल जो पहले प्रोसेस था वो ये, आपका मर्जी है। वीडियो देखना चाहते हो तो देख लो, नहीं तो
वही पुराना तरीका है यहाँ से, बस यही दिखाना था कि फाइल शॉर्टकट काम नहीं करेगा तो किस तरह से आपने इंस्टॉल कर देना है एप्लीकेशन को। इस वाले को ओपन कर देना है, सबसे पहले अपने स्क्रीन पे ले आना है, तो सबसे ऊपर वाले पे क्लिक कर देना है, ये आ गया। अब दूसरे वाले को इसको प्रेस करके रखना है और सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करना है, अब इसको ओपन कर देना है। नोटिफिकेशन इसका ऑन कर देना है, सबसे ऊपर वाले को ऑन करके बैक चले जाना है। यहाँ से आपने इंटरनेट को ऑफ कर देना है, सिम भी नहीं होनी चाहिए। आप दूसरे को ओपन करना है, नेट कनेक्ट होगा तो आपका ये वाला एप्लीकेशन ओपन नहीं होगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना है, अगर कोई मसला आ रहा है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपका मसला हल करूँ। यहाँ पे आपने सेटअप टाइप कर देना है, सबसे ऊपर वाले पे चेक लगानी है, सैमसंग सेटअप को ओपन कर देना है और यहाँ पे आपने क्लियर डेटा पे क्लिक करके FRP बाईपास। आप देख सकते हैं